हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो TMS में। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, वो भी 5 से 10 सेकेंड के अंदर। और इस वीडियो में एक और ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी दो डिजिट के नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशंस इनेबल कर दें ताकि जब भी हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 82 × 84, इसका प्रोडक्ट हम लोग उसी ट्रिक का यूज़ करके निकालेंगे। 4 × 2 = 8, 6 × 8 = 48, कैरी 4 × 8 = 64 और 468। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 63 × 65, 3 × 5 = 15, कैरी 1, 8 × 6 = 48, 149, कैरी 4, 6 × 6 = 36, 36 × 4 = 40। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 31 × 31, 1 × 1 = 1, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9। तो दोस्तों, मैंने एक ट्रिक का इस्तेमाल करके इन सभी नंबर का प्रोडक्ट फाइंड किया है। अब मैं वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको जिस ट्रिक का मैंने इस्तेमाल किया है इन सभी नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए और 31 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। इस ट्रिक का यूज़ करके आप लोग किसी भी दो नंबर, दो डिजिट वाले नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं या किसी भी दो डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इसलिए प्रोडक्ट आपके सामने फाइंड करके दिखाया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कितना सिंपल और कितना जल्दी से इस ट्रिक के ज़रिए हम लोग आसानी से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आइए मैं अब वो ट्रिक आपको बता दूँ। दोस्तों, जैसे 92 और 94 का प्रोडक्ट हम लोग को मान लीजिए फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट पहले फाइंड करेंगे। 4 × 2 = 8, वंस प्लेस पे 8 लिखेंगे प्रोडक्ट में। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों नंबर को जोड़ लेंगे। तो दोनों का जोड़, दोनों का ऐड कितना होगा, 6, और 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 6 × 9 = 54, और पहले जो हम लोग प्रोडक्ट फाइंड किए थे 4 और 2 का, उसमें कोई भी कैरी नहीं बचा था, इसलिए हम लोग सिर्फ 6 × 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें से वंस वाला प्लेस को यहाँ लिखेंगे। जैसे 9 × 6 = 54, तो इस नंबर को हम लोग यहाँ लिखेंगे, 5 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। ठीक है, 9 × 9 = 81, और 5 पहले से हम लोगों के पास है, 81 और 5 = 86, यही प्रोडक्ट होगा 92 और 94 का। तो कितना आसानी से हम लोगों ने इस ट्रिक का यूज़ करके इस प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया। तो दोस्तों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 63 × 67। ठीक है, तो 3 × 7 इसका प्रोडक्ट होता है 21, तो हम लोग प्रोडक्ट में वंस प्लेस पे लिखेंगे 1, और 2 हम लोगों का हो जाएगा कैरी। अब इस दोनों नंबर का जोड़ होता है 10, उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 × 10 = 60, और पहले से हमारे पास क्या है, 21 में से 2 कैरी बचा हुआ है, तो 60 और 2 = 62, तो 62 का 2 हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर 6 हमारे पास बचेगा। ठीक है, अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 = 36, और 6 हम लोग के पास पहले से 6 है, तो 36 और 6 हो जाएगा 42, तो यही प्रोडक्ट होगा 63 और 67 का। एक और एग्जांपल देखते हैं, 99 × 99। ठीक है, अगर इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं इसी ट्रिक का यूज़ करके, इसका मतलब है हम लोग 99 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके। तो 9 × 9 =
81 का 1 यहाँ हम लोग लिखेंगे वंस प्लस पे प्रोडक्ट के, और 8 हमारे पास बचेगा कैरी। 9 प्लस 9 होता है 18, इन दोनों नंबरों को ऐड कर देना है, 18 हो गया। अब 18 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, ठीक है। तो 18 9 जो होता है 162, 162 और 8 यहाँ है हमारे पास पहले से, तो 8 कैरी इसमें ऐड करेंगे तो 162 और 8 170 हो जाएगा। 170 इसमें से सिर्फ पहला वाला वंस प्लस यहाँ लिखेंगे और फिर 17 हमारे पास बच जाएगा जो कि आगे जोड़ना है। और 9 9 जो होता है 81 और 17 कितना हो गया 98, लिख देंगे 98। और यही स्क्वायर है 99 का, और 99 और 99 का प्रोडक्ट भी यही है। इस ट्रिक का यूज़ करके हम लोग किसी भी दो डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। चाहे कोई भी नंबर हो, 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर हो, इस ट्रिक का यूज़ करके आसानी से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। किसी भी दो डिजिट वाले दो नंबर का, जैसे एक ये नंबर है और ये एक नंबर है, इस दोनों का प्रोडक्ट भी हम लोग इस ट्रिक का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी दोनों नंबर सेम नहीं रहेगा, मतलब स्क्वायर अगर फाइंड नहीं करना होगा, सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करना है, जैसे कि दोनों नंबर अलग है 63 और 67, बस एक शर्त है कि टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो नंबर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 6 और 6 था, जैसे यहाँ 9 और 9 है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें भी 8 और 8 था, 82 और 84 में। तो यही शर्त है कि टेंस प्लेस पे डिजिट सेम होना चाहिए अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है, नंबर अलग हो जाए लेकिन डिजिट टेंस प्लेस वाले पे सेम होना चाहिए। और स्क्वायर फाइंड करने में तो दोनों ही प्लेस पे नंबर सेम होता है, तो इसमें कोई मसला होने नहीं जा रहा है। तो स्क्वायर फाइंड करना होगा तो 10 से लेकर 99 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करके। और अगर प्रोडक्ट फाइंड करना होगा तो शर्त यह है कि टेंस प्लेस पे डिजिट सेम होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोग ये ट्रिक सीख गए होंगे। इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चंस लिखे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का प्रोडक्ट फाइंड करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस ट्रिक को मैंने खुद से क्रिएट किया है, इसलिए आप लोगों के सामने बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।